de mulher me maltrata, assim ela tá me preenchendo, quando eu vou me mostrar, ou me chade, ou que não me pediu, mata de mim, quando me deixa इन्होंने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। मंसूर जी जिनके बारे में मैंने सुना, इनका देश विदेश तक पूरा तंत्र फैला हुआ और हमारे बीच में जस्टिस अजय गोयल जी की पत्नी है पूनम गोयल जी, लोकेश धनुजा जी, कुलवीर सिंह जी, जो मंच पर सभी सम्मानित अतिथिगण, मैं इस विषय को ढंग तो ज्यादा जानता नहीं, लेकिन मैंने अभी सुना मत्सर जी से और तो फिर दो काम से इसके अंदर कितनी ताकत है। यह बात तो सच भी है कि एक भ्रांति तो है, डायरेक्ट कंफ्यूजन इन सोसाइटी का, दिस इज नॉट एग्जैक्ट साइंस, इट इज अ बेस्ड ऑन फ्रस्ट्रेशन बिलीफ ऑन इट्स थ्री साल चैलेंज फॉर यू टू ब्रेक इट। ये चैलेंज आपके सामने है, इसको ब्रेक करें। अगर कोई क्रांति है समाज की तो जिस विषय को लेके क्रांति है और जिस विषय के लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं या जुड़े हैं, जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है चुनौती को स्वीकार करने का। अक्षर किस रियल की, अक्षर किस चैलेंज की, इंजीनियरिटी या साइंस ये प्रोडिक्शन है, इसमें सही है। काफी लोग बोलते अटले हैं, अनुमान है, दस चीज कर दिया जाए तो दो चीज तो सही हो ही जाए, कोई भी कहे तो दो चीज को लेकर के आदमी कहे जो ज्योतिषाचार्य कहेंगे कि देखो मैंने कहा था उसी दो चीज को, तो इस तरह की बातें होती है कि तो मुझे बड़ा गर्व का अनुभव महसूस हो रहा कि मैं आपके बीच में आया और कुछ शब्द मैंने सुने, कुछ ज्ञान मुझे भी मिला है। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट डिस्कवरी साइंसेस इन्वेंशन व्हिच आर येट टू बी ब्रॉट आउट, उनको लाना चाहिए, प्रकाश में लाना चाहिए, उनको पेटेंट कराना चाहिए। नोबडी इज गोइंग टू स्टार्ट यू दैट यू शुड नॉट गेट पेटेंटेड। अब इससे तो काम चले रहे नहीं भाई, ऐसा ना हो कि पाश्चात्य के लोग हमारे विद्या को, कला के को पेटेंट कराए, तो इससे तो कहने से काम नहीं चलेगा। नोबडी इज स्टॉपिंग यू, आपको तो कोई रोक नहीं रहा, आप पेटेंट करा। कहने से कहना तो चाहिए, ठीक है, एक अप्रिहेंशन है, एक खतरा है, उसको उस पर चर्चा होना चाहिए, लेकिन डूअर तो आप ही, करना तो आप ही को पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपके विषय, आप जिस विषय के धारक हैं, सूत्रधार हैं, संस्थापक हैं, विद्यार्थी हैं, रिसर्चर हैं, राजवीर हैं, और हमारे जो सपोर्ट होता है मैं उसमें करने को तैयार हूँ। और इत्तेफाक की बात है, जो विजय जी का जो मकान है और दुकान है मेरे लोकसभा में ही है, तो एक अच्छा सहयोग भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए फिर से रोम जी को और उनके परिवार को, सभी लोगों को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ।